Hey everyone, welcome to Shom's IAS. I am Shivangi Sharma and here I am with 5th chapter of class 7th history, which is tribes, nomads and settled communities. So इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं जो भी ट्राइब्स हैं हमारी हमारे सब कॉन्टिनेंट में, जो भी नोमैड्स है और जो भी हमारे सेटल्ड जो भी कम्युनिटीज़ है जो सेटल हो चुकी हैं, ठीक है, उनके बारे में हम बेसिकली यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. सो जो लास्ट के हमने चैप्टर पढ़े विच वर 2, 3 and 4, इसमें हमने देखा कि किस तरह से किंगडम आए और काफ़ी गिरे भी, कैसे और किंगडम्स आए, है ना. ये सारी चीज़ें हमने 2, 3 और चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया. और उसके अलावा हमने देखा कि बहुत नई नई तरह की आर्ट्स एंड क्राफ्ट भी फ्लरिश हो रही हैं. उसके अलावा प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ फैल रही है, चाहे वो टाउन्स हो या विलेजेस हो, ठीक है. पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है. बट जो सोशल चेंज था ना, वो हर जगह सेम नहीं था, ठीक है. सोशल चेंज हर जगह अलग अलग तरह से लोग ग्रो कर रहे थे, ठीक है, अलग अलग तरह से इवॉल्वमेंट हो रही थी. सो इसको स्टडी करने वाले हैं आज हम, ठीक है. सो सब कॉन्टिनेंट का एक काफ़ी लार्ज पार्ट, ठीक है, मतलब सब कॉन्टिनेंट के काफ़ी लार्ज पार्ट्स में सोसाइटी थी जिनको डिवाइड कर दिया गया था कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है. सो वर्ण के कुछ रूल्स थे जिनके अकॉर्डिंग हमने सोसाइटी में लोगों को डिवाइड कर लिया था, ठीक है. मतलब हमारे सब कॉन्टिनेंट में कुछ ऐसी सोसाइटीज़ थी जिसको कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत हम लोगों ने अलग कर दिया था, ठीक है, विच आर डिवाइडेड, ठीक है. सो ये जो भी रूल्स थे ये सारे ब्राह्मण्स ने जो है वो प्रेस्क्राइब करे थे, और ये सारे रूल जो भी उस किंगडम का जो भी रूलर है वो भी इनको एक्सेप्ट करता था, ठीक है. सो ये जो इन्होंने वर्ण डिवाइड करे, इससे हुआ क्या, जो अमीर है और जो गरीब है उनके बीच में एक डिस्टेंस ग्रो हो गया, बहुत बड़ा डिफरेंस बन गया, ठीक है. हाई एंड लो का डिफरेंस बन गया, रिच एंड पुअर का भी डिफरेंस इंक्रीज हो गया, ठीक है. सो फिर जब दिल्ली सल्तनत और मुगल्स की जब थी उस टाइम, मतलब जब दिल्ली सल्तनत और मुगल्स का राज चल रहा था उस टाइम पे, ये जो भी सोशल क्लासेस थी ये और ज़्यादा ग्रीव करी, ठीक है. सो बियॉन्ड बिग सिटीज़ ट्राइबल सोसाइटी. सो जैसे हमारी कंट्री में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी बड़ी बड़ी बिग सिटीज़ इवॉल्व हो गई थी जो हमने स्टडी कर ली, तभी उसी के साथ साथ कहीं ट्राइबल सोसाइटीज़ भी थी बियॉन्ड सिटीज़ के बिल्कुल परे, ठीक है. सो जैसे हमने ऊपर पढ़ा वर्ण में डिवाइड कर दिया था, वैसे ही कहीं कुछ लोग थे जिनका नाम था, जिनको हमने जो आज के टाइम पे ट्राइब होते हैं, जो ट्राइब्स हैं, ठीक है. सो ये जो सोसाइटीज़ थी ये कोई भी रूल और कोई भी रिचुअल फॉलो नहीं करती थी जो ब्राह्मण ने बनाए थे, ठीक है. वो आगे जाके, मतलब ना ही वो और अनइक्वल क्लासेस में डिवाइडेड थी, ठीक है, और ना ही वो ब्राह्मण्स की दी हुई कोई रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करती थी, और इनको नाम दिया गया ट्राइब्स का. ओके, सो ये सोसाइटी को ट्राइब का नाम दे दिया गया था, ठीक है. सो ये सारे जो भी इनकी ट्राइब के जो भी मेंबर्स थे ना, इनमें बहुत ही ब्रदरलीहुड था, बहुत ही एकता थी, ठीक है. ज़्यादातर जो ट्राइब्स थे वो एग्रीकल्चर से ही अपना फूड प्रोड्यूस किया करते थे, कुछ जो थे वो हंटर और गैदरर्स थे या फिर हर्डर्स थे, ठीक है. ये ज़्यादातर ये जो भी लोग थे इनका बेसिकली, ये बेसिकली उन एरिया में ज़्यादा सेटल होते थे, उन एरिया में ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते थे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज मिले और उनका वो अच्छे से यूज़ कर सके, ठीक है. कुछ ट्राइब्स ना नोमैडिक थे, नोमैडिक मतलब वो ना वो ट्रैवल किया करते थे, ठीक है, वो प्लेस टू प्लेस ट्रैवल किया करते थे, ठीक है. उसके अलावा ये जो ट्राइबल ग्रुप्स थे ना, ये कुछ लैंड और कुछ जो पेस्टर्स थी ना उनको जॉइंटली कंट्रोल किया करते थे, मतलब. और ये जो भी लैंड थी इनको फर्दर डिवाइड किया गया था, जो हाउस होल्ड्स थे उनका जो रूल्स था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिवाइड कर दिया था, ठीक है. सो ज़्यादातर जो बड़े बड़े ट्राइब्स थे वो सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में रहा करते थे, ठीक है. ज़्यादातर ये जो भी लोग, जो ये ट्राइब्स थे, ज़्यादातर ये रहा करते थे फॉरेस्ट्स में, ठीक है, हिल्स में, बिकॉज़ ये जगह पे बहुत सारी हमें वो देखने को मिलते हैं ना, नेचुरल रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो जाते हैं. और बेसिकली उन प्लेसेस में रहा करते थे जहाँ पे पहुँचना मुश्किल होता है, मतलब वो ना जैसे डेजर्ट हो गए, हिल्स, फॉरेस्ट, ये जगह कुछ ऐसी है जो जहाँ पे इजीली नहीं जा सकते, ठीक है, यहाँ पे पहुँचना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ऐसी जगह पे ये लोग रहा करते थे, ठीक है. सो कभी कभी ना इनकी मतलब लड़ाइयाँ या फिर आप बोल सकते हो ये क्लैश कर जाते थे कुछ पावरफुल केस जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी होती है ना, कभी वहाँ पे भी ये लोग क्लैश कर देते थे, ठीक है. सो ट्राइब, जो भी ये ट्राइब्स थे ये अपनी फ्रीडम को और उनका जो कल्चर था ना उनको उन्होंने हमेशा से अलग रखा और प्रिजर्व करके रखा, ठीक है.
जैसे हमने अभी पढ़ा, क्योंकि वो ऐसी जगह पे रहते थे जो अलग है, ठीक है, तो वो ऐसी जगह से दूर रहते थे जहाँ पे कास्ट बेस का सिस्टम हो, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी फ्रीडम को ही छीने, ठीक है, और उनका जो कल्चर है उनको उन्होंने सेपरेट ही रखा, ठीक है। पर जो कास्ट बेस्ड और जो ट्राइबल सोसाइटी थी वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते थे अलग अलग चीज़ों के लिए, ठीक है। इस रिलेशनशिप से, ये एक रिलेशनशिप था जहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स भी थी और कहीं ना कहीं डिपेंडेंस भी था, ठीक है। ग्रेजुअली ये जो दोनों सोसाइटीज़ को चेंज करना पड़ा, ठीक है, बिकॉज दे वर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है, तो इसलिए दोनों को कहीं ना कहीं चेंजेस करने पड़े, ठीक है। ट्राइबल पीपल कौन होते हैं? जो भी हिस्टोरियंस और भी जो भी ट्रेवलर्स थे वो बहुत ही स्केंटी इन्फॉर्मेशन है ट्राइब्स के बारे में, बिकॉज देखो ट्राइब्स की स्केंटी मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ट्राइबल पीपल जो थे वो कोई भी अपना रिटर्न रिकॉर्ड नहीं रखा करते थे, या फिर ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम पता कर सके, क्योंकि कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड या फिर ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, उस टाइम पे। एक फ्यू एक्सेप्शन ये भी है बिकॉज कि रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं थे, ठीक है, पर उनके जो भी रिच कस्टम्स थे और जो ट्रेडिशंस थे वो ओरली उन्होंने बताए थे, ठीक है, हर जनरेशन को वो पास किया गया था थ्रू ओरली, ठीक है। आज के जो भी हिस्टोरियंस हैं वो उन्हीं ओरल ट्रेडिशन को अब ट्राइबल हिस्ट्रीज में लिख रहे हैं, ताकि आगे वाले टाइम पे भी हमें हमारे पास ये चीज़ें रहे कि उस टाइम पे ट्राइब्स कैसे रहा करते थे, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट के लगभग हर एक एरिया में जो है ट्राइब्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं जगहों पे तो ट्राइब का इन्फ्लुएंस मतलब जैसी जैसी जगह है और जैसा जैसा टाइम है वैसे वैसे ट्राइब का जो इन्फ्लुएंस है ना वो बढ़ता घटता रहा, ठीक है। कुछ पावरफुल ट्राइब्स थे जिन्होंने बहुत ही लार्ज टेरिटरी को भी कंट्रोल किया, जैसे पंजाब में जो खोखर ट्राइब है वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल था 13th और 14th सेंचुरी में। बाद में जो घाखर ट्राइब आया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गया, ठीक है। द चीफ कमल खान घक्कर, फिर जो इन घाखर ट्राइब के जो चीफ थे जिनका नाम था कमल खान खक्कर गखर सॉरी, वो आगे जाके जो है एम्परर अकबर के एक नोबल भी बने, नोबल इज मनसबदार, ठीक है, वो मनसबदार भी बने उनके। मुल्तान और सिंध में जो लंगाज और जो आर्गन्स डोमेन था वो काफ़ी राइज किया गया, ठीक है, बट फर्दर जब तक वो मुगल ने उनको सबड्यू नहीं किया उससे पहले तक वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, ठीक है। फिर आते हैं बलोचीज, जो कि काफ़ी उनका भी काफ़ी लार्ज और पावरफुल डोमेन था, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में, ओके। ये आगे जाके फर्दर क्लांस में डिवाइड कर दिए गए थे अंडर डिफरेंट चीफ्स। क्लैन क्या होता है? क्लैन किसी भी फैमिली या हाउस होल्ड का एक ग्रुप होता है जिसका एक कॉमन एंसेस्टर जिसका एक कॉमन पूर्वज हो, ठीक है, डैट इज़ क्लैन। ऐसे ही एक डिफरेंट स्मॉल स्मॉल क्लैंस में डिवाइड कर दिया गया था अंडर डिफरेंट चीफ्स, ठीक है। वेस्टर्न हिमालय में हम देखिए तो जो शेफर्ड ट्राइब है, शेफर्ड इज जो भेड़ बकरियाँ पालते हैं नॉल, ठीक है, जो शेफर्ड ट्राइब है दैट इज़ ऑफ गद्दीज, ठीक है, वो काफ़ी फेमस है। और जो डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है सब कॉन्टिनेंट का वो भी ट्राइब्स से काफ़ी डोमेन था, स्पेशली द नागाज, अहोम्स और कुछ अदर भी थे, ठीक है। जो आज का टाइम है बिहार और झारखंड, वहाँ पर भी शेरो चीफडम्स का भी एक मतलब 12th सेंचुरी में वो लोग एमर्ज किए, ठीक है, देवर चेरो चीफडम्स कहाँ पर? बिहार और झारखंड में, ठीक है। राजा मानसिंह जो अकबर के काफ़ी फेमस जनरल थे उन्होंने अटैक किया और वो चेरोस को उन्होंने हरा दिया 1591 में, ठीक है। उनकी एक काफ़ी लार्ज बूटी मतलब काफ़ी लार्ज उनका खजाना और काफ़ी जायदाद उन लोगों ने सबड्यू कर ली, वो औरंगज़ेब के अंदर आ गई, ठीक है। अंडर औरंगज़ेब जो मुगल फोर्सेस थे उन्होंने काफ़ी चेरो फॉरेस्ट को और काफ़ी ट्राइब्स को उन्होंने सब्जुगेट किया, ठीक है। द मुंडल्स एंड संतल्स वर अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, कहाँ पर? इन उड़ीसा एंड बंगाल, ठीक है, उड़ीसा और बंगाल जैसी जगहों पर मुंडाज और संतल्स जैसे ट्राइब्स काफ़ी फेमस थे, ठीक है। जो महाराष्ट्र है और जो कर्नाटका का एरिया है उधर जो कोलीज है, ठीक है, कोलीज, बेराज और कुछ और ट्राइब्स हैं, ठीक है। जो कोली थे उन्होंने गुजरात में काफ़ी
मतलब गुजरात में उन्होंने काफ़ी एरिया कवर किया और काफ़ी ज़्यादा टाइम तक वो रहे। फर्दर साउथ की तरफ अगर हम जाए तो जो कोरागास, वेतार्स और मारावार्स जैसे ट्राइब्स हैं उनका काफ़ी डोमेन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो भील्स, एक भील्स का काफ़ी बड़ा ट्राइब था जो कि वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में काफ़ी फैला हुआ था। ठीक है, लेट 16 सेंचुरी में इनमें से काफ़ी ज़्यादा जो थे वो एग्रीकल्चर में सेटल हो गए और इवन कुछ तो ज़मींदार्स भी बन गए। ठीक है, तो ज़्यादा से जो ज़्यादातर भील क्लैंस थे उन लोगों ने ज़्यादातर जो थे कुछ उनमें से हंटर गैदरर्स भी थे और कुछ ऐसे एग्रीकल्चर और ज़मींदार्स में चले गए। ठीक है, सो ये जो फिर आते हैं गोंस, जो गोंस है वो काफ़ी ग्रेट नंबर में हमें देखने को मिलते हैं आज भी। जो आज छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश है, इन जगहों पे गोंड्स काफ़ी ज़्यादा नंबर में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो जो नोमैड्स थे, जो मोबाइल नोमैड्स और जो मोबाइल पीपल थे जो मूव करते थे प्लेस टू प्लेस, वो कैसे रहा करते थे? देखो, पहले आते हैं नोमैड पेस्टोरल, नोमैड पेस्टोरालिस्ट। ठीक है, सो ये बेसिकली जो बहुत बड़ा बड़ा डिस्टेंस अपने एनिमल्स के साथ कवर किया करते थे, ठीक है, वो बेसिकली जो मिल्क है और उन प्रोडक्ट पे ही ज़्यादा मतलब ज़्यादा डिपेंडेंट थे। उसके अलावा वो वूल और घी का भी एक्सचेंज कर दिया करते थे जो भी एग्रीकल्चरल थे उनसे। ठीक है, वो उन क्योंकि वो जानवर लेके चलते थे, सो बेसिकली उनका जो भी एनिमल्स जो भी चीज़ें उनको मिलती थी वो एक्सचेंज कर लेते थे। बदले में उनको ग्रेन, क्लॉथ, कपड़े और अदर प्रोडक्ट्स मिल जाते थे। ठीक है, वो एक्सचेंज कर दिया करते थे बेसिकली। सो वो ऐसे ही जैसे जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपने एनिमल्स के ऊपर बैठ के, वैसे ही वो चीज़ों को खरीदते और बेचते भी थे। ठीक है, जिस जगह पे वो जाते थे वहाँ पे वो ऐसे बेच दिया करते थे। अब आते हैं बंजारास। बंजारास काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रेडर नो मैड्स हैं। ठीक है, वो उनका जो कारवां थी उनको टांडा बोला उनको बोला जाता था, टांडा। सो जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे जिनको हमने चैप्टर 3 में डिस्कस किया, वो बंजारास का यूज़ करते थे ताकि वो ग्रेन को सिटी मार्केट तक पहुंचा सके। ठीक है, सो जो एम्परर जहांगीर थी उन्होंने लिखा उन्होंने उनकी जो मेमोरीज थी उसमें लिखा कि बंजारा कैसे कैसे जो भी बंजारास थे वो कैसे ग्रेन को मतलब ग्रेन को ले जाया करते थे अपने बुलक्स में लोड करके और उसको टाउन में आके बेच दिया करते थे। ठीक है, वो फूड ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट किया करते थे फॉर द मुगल्स आर्मी ड्यूरिंग द मिलिट्री कैंपेन। ठीक है, सो उनकी एक काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ आर्मी थी जिसमें वो करीब 1 लाख बुलक्स को अपने साथ ले जाया करते थे जिसमें सिर्फ ग्रेन ही हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स है जिसमें द बंजारास है। देखो, पीटर मुंडी एक इंग्लिश ट्रेडर थे जो इंडिया में आए 17 सेंचुरी में। ठीक है, उन्होंने डिस्क्राइब किया है बंजारास को। सो वो बोल रहे हैं एक मॉर्निंग में उन्हें बंजारास का टांडा मिला विद 14,000 ऑक्सेंस। ठीक है, वो सारे से सारे जो है वो वीट और राइस जैसे ग्रेन से लदे हुए हैं। ठीक है, जो बंजारास है वो अपने अपने बच्चे और अपनी बीवियों को भी अपने साथ लेके चलते हैं। ठीक है, एक टांडा जो है एक टांडा में बहुत सारी फैमिलीज़ हैं। ठीक है, वन टांडा कंसिस्ट ऑफ मैनी फैमिलीज और उनका जो तरीका है उनके रहने का जो तरीका है वो बेसिकली ऐसा ही है कि वो प्लेस टू प्लेस कॉन्टीन्यूसली ट्रैवल करते रहते हैं। ठीक है, सो कैसे जैसे वो कैरियर्स होते हैं जो प्लेस टू प्लेस कॉन्टीन्यूसली ट्रैवल करते हैं, बंजारास का भी वैसे ही रहन सहन का तरीका है। ठीक है, उनकी ऑक्सिन है वो अपनी ऑक्सिन को ओ करते हैं। ठीक है, उनकी अपनी ऑक्सिन है। कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो उनको मर्चेंट्स हायर करते थे। ठीक है, बट मोस्ट कॉमनली दे आर देमसेल्फ मर्चेंट्स। तो ज़्यादातर ऐसा होता था कि वो खुद ही मर्चेंट्स होते थे। ठीक है, वो ग्रेन्स को इजीली और चीपली कैरी कर लेते थे और अवेलेबल करवा देते थे। ठीक है, जहाँ भी मार्केट पे, ताकि और उनका जो ऑक्सिन है वो फिर से वो जहाँ पे वो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके बाद वो फिर से अपनी ऑक्सिन को रीलोड करते हैं कुछ भी जो फिर कुछ भी चीज़ें उसे फिर वो आगे जाके उनको बेच देते हैं। ठीक है, सो एक टांडा में करीब करीब 600 से 700 लोग होते हैं। ठीक है, वो एक दिन में 6 से 7 माइल से ज़्यादा नहीं ट्रैवल करते हैं। ठीक है, सिंगल डे में वो 6 to 7 माइल्स ही ट्रैवल करते हैं। ओके, बिकॉज दैट टू इन द कोल्ड वेदर, वो भी ठंडे ठंडे मौसम में वो 6 से 7
वो 6 से 7 माइल से ऊपर नहीं करते, ठीक है। सो अपनी अपनी जो उनके जो भी ऑक्सेंस थे उनको अनलोड करने के बाद वो फिर से उनको वो ना उनको फ्री कर देते थे, ठीक है, जहाँ पे काफ़ी लैंड थी वहाँ पे उनको छोड़ देते ताकि वो चर सके। ओके, सो दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। सो फिर कुछ पेस्टल ट्राइब्स जो थे वो रियर करते थे और एनिमल्स को बेचते भी थे, पालते थे और बेचते थे, ठीक है। उनमें से जैसे कि कैटल्स हो गए, हॉर्सेस हो गए, और मतलब उन जो जो भी प्रॉस्पेरस पीपल होते थे उनको वो बेच दिया करते थे, ठीक है। डिफरेंट कास्ट ऑफ पेटी पैडलर्स ऑल्सो ट्रैवल फ्रॉम विलेज टू विलेज, ठीक है। सो बेसिकली ये उसके अलावा ये ना कुछ चीज़ें बना के बेचते थे, जैसे रस्सी हो गई, रीड, स्ट्रो मैटिंग एंड कोर्सैक्स, ठीक है। कभी कभी वो जो है मेंडिकेंट्स की तरह भी काम करते थे एज वॉन्डरिंग मर्चेंट्स, ठीक है। और कुछ कास्ट थी एंटरटेनर्स की कास्ट इन द सेंस जो कि सारा वो परफॉर्म करते थे, जैसे जो जादू के शो आपने देखा होगा, कोई कोई होते हैं जो जादू दिखा रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि अगर आप कहीं भी जाते हो, सो अगर किसी फेमस टूरिस्ट एरिया में जाते हो तो आप देखते होंगे रस्सी में लोग करतब कर रहे हैं एंड ऑल, ये सारे एंटरटेनर्स होते हैं, ठीक है। सो सोसाइटी चेंज होती है, नई कास्ट और हायरार्कीज हमें देखने को मिलती है। सो जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही थी वैसे ही सोसाइटी भी ग्रो कर रही थी, लोग नई स्किल्स सीखना चाह भी रहे थे और वो रिक्वायर भी थी, ठीक है। जो छोटी छोटी कास्ट थी और जो भी जातीज थी वो वर्णास में ही अब एमर्ज हो गई, जैसे ब्राह्मणास के बीच में ना नई कास्ट अपेयर करना शुरू की, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो काफ़ी ट्राइबल्स थे और जो सोशल ग्रुप्स थे उनको कास्ट बेस्ड सोसाइटी के अंदर ले लिया गया और उनको जाति का स्टेटस दे दिया गया, ठीक है। कुछ स्पेशलाइज्ड आर्टिसंस थे जैसे जो भी स्मिथ्स होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं, मेसन्स होते हैं, इनको अलग जाति दे दी गई और ये सारा काम ब्राह्मण का था कि सारी जातियाँ डिवाइड करनी हैं, ये ऊंचे हैं ये नीचे हैं, ये सारा काम ब्राह्मण का होता था, ठीक है, ब्राह्मण ही करते थे ये सब कुछ। जो जातीज थे रादर देन वर्णा बिकम द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। सो यहाँ पे हम पढ़ते हैं डेलिबरेशन ऑफ जाति। सो 12th सेंचुरी में उयाकोदन उदयर का एक इंस्क्रिप्शन है इन द तिरुचप्पली तालुका जो कि आज तमिलनाडु में है, ठीक है। सो वो डिस्क्राइब करती हैं डेलिब्रेशन ऑफ सभा ऑफ ब्राह्मण, ब्राह्मण की एक सभा है उनको वो डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। सो देखो, दे डेलिबरेट ऑन द स्टेटस ऑफ ग्रुप नोन एज द रथाकार, जो रथ बनाते हैं, ठीक है, दैट आर रथाकार्स, एंड ले डाउन देयर ऑक्यूपेशन विच वर टू इंक्लूड आर्किटेक्चर, बिल्डिंग कोचेस, चैरियट्स, इरेक्टिंग गेटवेज फॉर टेम्पल्स एंड प्रिपेयरिंग वुडन इक्विपमेंट, परफॉर्मिंग बिल्डिंग मानपत्र के ज्वाइंट ऑफ द किंग। सो बेसिकली ये बता रहे हैं कि कैसे एक सभा है और उसमें कैसे ब्राह्मण्स डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं जैसे रथाकार हो गए, उसके अलावा आर्किटेक्चर जो है, जो भी मंदिर वगैरह जो बनाते हैं, जो किंग के लिए ज्वेल्स बनाते हैं, इन सभी को क्या कास्ट देनी है, क्या जाति देनी है, ठीक है, ये बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं इसमें। फिर आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय में और जो भी राजपूत क्लैंस थे वो ज़्यादा से ज़्यादा वो और पावरफुल होने लगे 11th और 12th सेंचुरी में, ठीक है। वो डिफरेंट लीनिएज से बिलोंग करते थे जैसे हुनास, चंदेला, चालुक्या और अदर, ठीक है। और उनमें से कुछ तो ट्राइब्स भी रह चुके थे पहले, ठीक है। ये क्लैंस जो थे ये राजपूत, इन्होंने खुद को राजपूत बताया, डैट वी आर राजपूत। राजपूत क्या होते हैं, राजपूत आर द सन ऑफ द किंग, राजपूत, ठीक है, जो कि राजा के बेटे हैं, ठीक। उन्होंने जैसे जैसे राजपूत आए उन्होंने सारे पुराने रूलर्स को रिप्लेस कर दिया, स्पेशली इन एग्रीकल्चरल एरियाज, ठीक है। हेयर अ डेवलप्ड सोसाइटी वॉज इमर्जिंग एंड रूलर्स यूज देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट्स, और पावरफुल स्टेट बनाने के लिए जो भी रूलर्स हैं वो अपनी वेल्थ इसमें ऐड किया करते थे, ठीक है। सो उसके अलावा जो राजपूत क्लैंस थे उनकी जो पोजीशन थी ऑफ द रूलर्स सेट एन एग्जांपल फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो, मतलब जो राजपूत क्लैंस के जो रूलर्स थे उनको जो है वो ट्राइबल पीपल फॉलो किया करते थे ग्रेजुअली, जैसे ब्राह्मण का सपोर्ट उन्हें मिला तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण्स जो थे वो कास्ट सिस्टम का पार्ट बन गए, ठीक है। और सिर्फ जो सबसे लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज थी, जो बहुत बड़ी बड़ी ट्राइबल फैमिलीज थी, वही रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर सकती, ठीक है।
ज़्यादातर जो मेजोरिटी है वो लोअर जातीज थी, कास्ट सोसाइटी की, ठीक है। ज़्यादातर मेजोरिटी जो थी वो यहाँ पे देखो एक गोंड वुमन की हमें फ़ोटो भी देखने को मिलती है, ठीक है। कुछ जगह पे जहाँ पे पंजाब, जैसे पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट में जहाँ पे ट्राइब्स का डोमेन था, उन्होंने इस्लाम को काफ़ी इजीली अडॉप्ट कर लिया, और वो काफ़ी ज़्यादा जो है इस्लाम में चले गए, इस्लाम धर्म में चले गए, ठीक है। वो भी अभी भी वो जो है उस कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट ही करता रह गए। एंड द अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब बाय द ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म वॉज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दिस एरियाज, क्योंकि जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स था वो बता रहा था कि सारे लोग इक्वल नहीं हैं, कुछ ऊंची जात के हैं, कुछ नीची जात के हैं। सो ये यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हो रहा था किन जगहों पर, पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, ठीक है। इन ये जो भी इमर्जिंग ट्राइबल पीपल थे, जो मतलब इमर्जिंग स्टेट्स के, जो कि जिनसे हमें ट्राइबल पीपल में चेंज देखने को मिला, डैट वर, ठीक है, उनमें से दो का हमें यहाँ पे एग्जाम्पल मिल रहा है जो कि हमारे हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट पार्ट है। द गोंड्स, हमने अभी एक गोंड वुमन की फ़ोटो देखी ऊपर। जो गोंड्स है वो एक वास्ट फॉरेस्टेड रीजन में रहा करते थे, और उस वास्ट फॉरेस्टेड रीजन का नाम था गोंडवाना, ठीक है। गोंडवाना का मतलब बेसिकली यही होता है कि एक कंट्री जहाँ पे गोंड्स रहते हैं, ठीक है। जो गोंड्स है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉलो करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, यहाँ पे आप एक पिंक बॉक्स में देख सकते हो कि जो भी ट्रीज और बुशेस है, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया में, उनको पहले काटा जाता है या जलाया जाता है, ठीक है। फिर जो नई क्रॉप है उसको, जो राख होगी, ठीक है, उस राख में ही उसको उगो दिया जाता है, ठीक है। फिर जब ऐसा करते हैं तो एक पॉइंट पे ऐसा होता है ना, जब लैंड की लैंड अपनी फर्टैलिटी एक अपनी फर्टिलिटी छोड़ देती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम तक ही लैंड फर्टाइल रहती है, फिर वो एक अलग प्लॉट में जाते हैं, उसको भी सेम तरह से वो प्लांट करते हैं, डैट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ठीक है। फिर जो गोंड ट्राइब है उनको फर्दर छोटे छोटे क्लैंस में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। हर एक क्लैन का अपना राजा या राय होता था, ठीक। जब दिल्ली सल्तनत की पावर डिक्लाइन कर रही थी, तब काफ़ी गोंड किंगडम्स की जो डोमेन है छोटी छोटी जगहों पे वो बड़ी, ठीक है, स्मॉलर गोंड चीफ्स बने। जो अकबरनामा है, जिसमें अकबर का जो राज है उसकी हिस्ट्री है, उसमें उसमें मेंशन है कि जो गोंड किंगडम है गरा कटंगा का, वो करीब 70,000 विलेजेस इंक्लूड करता था अपने अंडर, ठीक है। सो देखो गोंड किंगडम कितना फैल चुका था। द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ दीज किंग्स वॉर बिकमिंग सेंट्रलाइज, ठीक है। जो किंगडम है उसको डिवाइड कर दिया गया था गढ़ में, और हर जो भी गढ़ है उनके पर्टिकुलरली गोंड क्लैन हुआ करते थे, ठीक है, वो बेसिकली गोंड क्लैन ही उनको कंट्रोल किया करते थे, ठीक है। ये जो थे इनको फर्दर 84 विलेजेस में डिवाइड किया गया, जिनको हम आज 84 भी बोलते हैं, ठीक। 84 का मतलब ही 84 होता है, 84 को हिंदी में 84 बोलते हैं। 84 वो सब डिवाइडेड इंटू बरहोत्स विच मेड अप ऑफ 12 विलेजेस ईच। हर एक 84 जो ग्रह थे उन 84 ग्रह के अंडर 12 विलेजेस थे, ठीक है। हर एक 84 के अंदर 12 विलेजेस आते थे, ठीक। दिस एमर्जेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स चेंज द नेचर ऑफ गोंड सोसाइटी। इस तरह से जो इसकी वजह से ना हमारी गोंड सोसाइटी में चेंज देखने को मिला। बेसिकली ये जो सोसाइटी है ये ग्रेजुअली डिवाइड कर दी गई अनइक्वल सोशल क्लासेस में। जो ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण गोंड राजास तो जो थे ना, वो और ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गए, और उन्होंने ना ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट करना शुरू कर दी, ठीक है। यहाँ पे भी ब्राह्मण्स ने लगा दी थी आग, ठीक है। जो गोंड चीफ्स थे वो अब विश करना चाह वो अब वो चाहते थे कि उनको भी एज राजपूत रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको भी राजपूत का दर्जा मिले। तो अमनदास जो कि गोंड राजा थे ग्रह कटंगा के, उन्होंने उनको टाइटल मिला संग्राम शाह का, ठीक है। फिर उनका उनका जो बेटा था दलपत, उन्होंने प्रिंसेस दुर्गावती को दुर्गावती से शादी की, जो कि सलहबान की डॉटर थी, जो कि एक चंदेल के राजपूत राजा थे, सॉरी द चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा, महोबा के राजा थे वो, ठीक है। जो दलपत थे वो जल्दी ही दलपत की डेथ हो गई, बट फिर जो रानी दुर्गावती थी वो इतनी कैपेबल थी कि उन्होंने अपना पूरा राज जो था वो अपने बेटे के, उनका जो 5 साल का बेटा था वीर नारायण, उनके बिहाफ पे उन्होंने चलाया, ठीक है। उनकी किंगडम में
मतलब जब उनका वो था, बट काफ़ी उनका किंगडम और ज़्यादा एक्सटेंसिव हो गया, ठीक है। बट 1565 में जो मुगल फोर्सेस थे उन्होंने असफ खान के अंडर गरह कटंगा में ऐड किया। बट रानी दुर्गावती ने काफ़ी लड़ाई की उनके साथ, बट उन्होंने उन्होंने सरेंडर करने से ज़्यादा अच्छा प्रेफर करा कि वो हार जाए, वो लड़के हारे बट वो सरेंडर नहीं करेंगे। सो वैसे ही उनकी डेथ हो गई, और उस फाइटिंग के बाद उनकी जो उन बेटा है उनकी भी सून डेथ हो गई, ठीक है। सो ग्रह कटंगा एक काफ़ी रिच स्टेट थी, ठीक है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वेल्थ अर्न कर ली थी, ठीक है, बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग जो भी वाइल्ड एनिमल्स थे ना किंगडम्स के, ठीक है, जो भी वाइल्ड एनिमल्स थे उनको वो ट्रैप करते थे और उनको एक्सपोर्ट कर दिया करते थे, ठीक है, और किंगडम्स में। इसकी वजह से वो काफ़ी रिच फैमिली, काफ़ी रिच स्टेट बन चुकी थी, ठीक है। सो जब मुगल्स थे उन्होंने गोंड को हरा दिया, और उन्होंने काफ़ी बड़ी जो थी उनकी जायदाद, उनकी जो बड़ी बूटी थी वो, जिसमें काफ़ी सारे प्रीशियस कॉइन और एनिमल्स थे, उनको उन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक। फिर उन्होंने मतलब किंगडम का एक काफ़ी मतलब दे एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ द किंगडम एंड ग्रांटेड द रेस्ट टू चंद्रशाह द अंकल ऑफ बीर नारायण। बीर नारायण के जो अंकल है उन्हीं को उन्होंने जो है वो जगह, वो किंगडम ग्रांट कर दी, ठीक है। डिस्पाइट द फॉल ऑफ ग्रह कटंगा द गोंड किंगडम सर्वाइव फॉर सम टाइम। ग्रह कटंगा के बाद जो है मतलब ग्रह कटंगा तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, बट फिर भी गोंड किंगडम ने काफ़ी टाइम तक सर्वाइव किया। हाउएवर वो कमज़ोर हो गए थे, ऑफ कोर्स वो कमज़ोर होंगे, और उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, बट अनसक्सेसफुली वो हार गए। जो भी बुंदेलाज और मराठा थे उनके अगेंस्ट वो हार गए, ठीक है। सो अब हम पढ़ते हैं अहोम्स के बारे में। सो अहोम्स जो थे वो ब्रह्मपुत्र वैली से, जो कि आज म्यांमार वाले एरिया से, वो 13th सेंचुरी में माइग्रेट हो गए थे, ठीक है। उन्होंने एक नई स्टेट बनाई बाय सरप्रेसिंग द ओल्ड पोलिटिकल सिस्टम ऑफ द भुईयांस, जो भी लैंड लॉर्ड्स थे, ठीक है। सो 16th सेंचुरी में उन्होंने जो भी 16th सेंचुरी में उन्होंने छुतियाज का जो भी किंगडम था उसको उन्होंने एनेक्स कर दिया 1523 में, और जो कोच हाजो का था, ठीक है, कोच हाजो का जो किंगडम था 1581 में उसको भी उन्होंने सब्जुगेट कर दिया मैनी अदर ट्राइब्स, ठीक। देखो अब कैसे कैसे जगह, कौन कौन सी जगह उन्होंने अपने अंडर कर ली। डेट वॉर द किंगडम ऑफ छुतियाज इन 1523 एंड कोच हाजो इन 1581, और कुछ अदर ट्राइब्स को भी उन्होंने अपने अंडर कर लिया था, ठीक है। जो अहोम्स थे उन्होंने लार्ज स्टेट बिल्ड की, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी फायर आर्म्स का मतलब काफ़ी मतलब वो फायर आर्म्स को बहुत जल्दी और यूज़ करते थे, ठीक है, और उनको मिल भी गई थी इन 1530s, ठीक। 1660s में उन्होंने हाई क्वालिटी गन पाउडर और कैनन्स भी मतलब उन्होंने बनाया, ठीक है। हावेवर जो होम्स थे उन्हें काफ़ी इन्वेजन फेस करना पड़ा साउथ वेस्ट से, ठीक है। 1662 में जो मीर जुमला के अंडर मुगल्स ने अहोम किंगडम में अटैक किया, डिस्पाइट द ब्रेव डिफेंस अहोम्स वर डिफेटेड। उन्होंने काफ़ी ब्रेव डिफेंस किया, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने लड़ाई की, अपना डिफेंस किया, बट स्टिल वो हार गए, ठीक है। और बट द डायरेक्ट मुगल्स कंट्रोल ऑफ द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग, बट स्टिल जो मुगल का कंट्रोल था वो काफ़ी टाइम तक नहीं रहा उन कंट्रीज में, ठीक है। जो अहोम का जो भी स्टेट थी वो बेसिकली फोर्स लेबर पे ही डिपेंडेंट थी। दे वर फोर्स टू वर्क फॉर द सेंटर ऑफ द फॉर द स्टेट कॉल्ड पाइक्स। पाइक्स के लिए उनको फोर्सफुली उनको काम कराया गया था, ठीक है। एक पॉपुलेशन का एक सेंसस लिया गया। हर एक विलेज को एक एक नंबर ऑफ पाइकास भेजने पड़ते थे बाय रोटेशन, ठीक है। जो भी पीपल मतलब जो हाईवे जो हेविली पॉपुलेटेड एरियाज के जो लोग थे उन्होंने लेस पॉपुलेटेड प्लेस में शिफ्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अहोम क्लैंस टूटना शुरू हो गए, ठीक। 17th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ था वो काफ़ी मतलब उसमें सारा सेंट्रलाइजेशन हो गया था, सेंट्रलाइज होने लग गई थी चीज़ें, ठीक। हर एक मतलब जो भी सारे मेल्स थे, ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल्स, वो सारे जो थे वो आर्मी में उन्होंने सर्व करना शुरू कर दिया, ठीक है। और एट अदर टाइम्स दे वर एंगेज इन बिल्डिंग, और उसके अलावा वो जो है डैम्स बनाते थे, इरिगेशन सिस्टम और पब्लिक वर्क्स में वो काम करते रहते थे, ठीक है। जो भी अहोम्स थे उन्होंने राइस कल्टीवेशन के न्यू मेथड भी इंट्रोड्यूस करे थे।
सो जो अहम सोसाइटी है वो भी क्लैंस और खेल्स में आगे डिवाइड कर दिए गए थे। सो यहाँ इसमें ना काफ़ी फ्यू कास्ट थे जिसमें आर्टिसंस थे, ठीक है। सो जो आर्टिसंस थे अहोम एरिया के, वो किंगडम्स के साथ उन्होंने ना, मतलब जो एडजोइनिंग किंगडम थे ना, वो वहाँ से वो लोग आए, ठीक है। जो खेल थे उन्होंने काफ़ी सेवरल विलेजेस को वो लोग कंट्रोल किया करते थे, एंड द पीजेंस वो गिवन लैंड बाय द विलेज कम्युनिटी। जो पी पीजेंस थे उनको विलेज कम्युनिटी ही उनको जो है वो लैंड दे दिया करती थी, ठीक है। और वो जो है इवन अगर कम्युनिटी ने उन्हें दी है तो किंग भी उनसे वो वापस नहीं ले सकता था। ओरिजिनली जो होम्स है वो ट्राइबल गॉड्स को ही वर्शिप किया करते थे, ठीक है। जो 17वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ा, ठीक है। टेम्पल और जो ब्राह्मण्स थे उनको लैंड मिलना शुरू कर दी गई। फिर शिव सिंह का जब राज चल रहा था 1714 से 1744 तक, हिंदुइज्म को एक प्रीडोमिनेंट रिलीजन बन गया, ठीक है। जो अहोम्स किंग थे उन्होंने फिर भी पूरी तरह से अपना ट्रेडिशन और अपना बिलीव नहीं छोड़ा, ना ही उन्होंने पूरी उन्होंने अपने उन्होंने हिंदुइज्म अडॉप्ट तो कर लिया, बट अपना ट्रेडिशन उन्होंने पूरी तरीके से नहीं छोड़ा, ठीक है। होम सोसाइटी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हो गई। जो भी पोइट्स थे, स्कॉलर्स थे, उनको भी लैंड ग्रांट कर दी गई। थिएटर इनक्रेज हुआ, पीपल ऑल्सो वर्क फॉर संस्कृत, ठीक है। संस्कृत का काम करना शुरू किया, संस्कृत को उन्होंने ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया लोकल लैंग्वेज में। हिस्टोरिकल वर्क्स हमें देखने को मिलते हैं जिनको हम बुरांजीज भी बोलते हैं, एंड वर्स ऑल्सो रिटर्न इन अहोम लैंग्वेज दैन इन असमीज, ठीक है। सब हम पढ़ लेते हैं कंक्लूजन। जब भी कंक्लूजन में हम देख रहे हैं वो है कि हमें हमारे सबकॉन्टिनेंट के हर अलग अलग जगह में जो है वो सोशल चेंज देखने को मिल रहा है। वर्ना बेस्ड सोसाइटी हमें देखने को मिली है, ट्राइबल पीपल को भी इंटरेक्ट करने का मौका मिला, एक दूसरे से उन लोगों ने इंटरेक्ट किया, ठीक है। बट किस तरह से इंटरेक्शन था, जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी और जो ट्राइब्स था उसमें कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंस भी था, बट कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट भी था, ठीक है। काफ़ी ट्राइब्स थे, ठीक है, और कहीं का डाइवर्स लेवलीहुड था। काफ़ी 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 जगहों पर जो है वो केस्ट बेस्ड सोसाइटी थी उससे उन्होंने मर्ज कर लिया काफ़ियों ने, और उसके अलावा जो भी अदर्स थे उन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया और हिंदुइज्म ऑर्थोडॉक्स को भी रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके अलावा कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पे ट्राइब्स को काफ़ी ज़्यादा पावर मिली और उनको वो काफ़ी पॉलिटिकली पावरफुल हो गए, जिसके वजह से भी हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। किंगडम्स और एम्पायर्स कॉम्प्लेक्स भी हो गए थे और बड़े भी हो गए थे, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो एंड द चैप्टर एज वेल। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।